भारत पाकिस्तान 1971 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे, जहां पर तीनों सेनाओं के तमाम अधिकारी और जवान मौजूद थे। आज के इस खास दिन को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये कार्यक्रम इंडिया गेट के पर ये दो दिन तक चलेगा, जिसमें 1971 के युद्ध में शामिल हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है और जिन हथियारों के दम पर हिंदुस्तान ने युद्ध को महज 14 दिनों में फतह किया था, वो हम आपको दिखाएंगे उन हथियारों को और बताएंगे उसके बारे में कि आखिर कैसे इस्तेमाल में ये आते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने एनसीसी कैडेट से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और कितना जज्बा है। 1971 के उस युद्ध को कोई नहीं भूल सकता है और अब अगर हम बात करें 50 साल आज उस युद्ध को पूरे हुए हैं और इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं और इंडिया गेट पर इस पूरे दिन को आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हम मना रहे हैं 75वां आज़ादी का महोत्सव है, विजय पर्व के रूप में मनाया गया है। तस्वीरें देखिए, यहां पर जो ये एनसीसी के बच्चे जो हैं वो आए हुए, मैं चाहूँगा एक बार ज़ोर से नारा लग जाए, भारत जय, भारत माता की जय। बिल्कुल, तो जोश है बच्चों में और सभी लोग आए हुए हैं क्योंकि 1971 में जो हुआ था उस युद्ध के बारे में उनसे ही बात करते हैं किस तरीके से हमारी सेना ने मोर्चा लिया था। क्या आप लोग पढ़ते हो तो किस तरीके की कहानियां उसमें नजर आती हैं, कितना फ़ख्र महसूस होता है? सर, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। लाइक 13 डेज का युद्ध था और उसी में ही भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, तो अभी हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि अभी हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमको यहाँ पे आने का मौका मिला, हमको ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिला। अभी वहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, हम वहाँ भी जाएंगे, अभी वो देखेंगे, तो वी आर फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी नाइस। आपका क्या नाम? कैडेट आरुषि कुमारी। किस तरीके का मैसेज दोगी आप, क्योंकि 1971 की हम बात करते हैं तो उस समय हमारी भारतीय सेना ने उस अदम्य साहस का परिचय दिया था जो समय समय पर हम अक्सर देते हैं, लेकिन उस समय के दृश्य को कैसे याद करते हो आप? सर, फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज इंडिया ने इतने अच्छे से फाइट करा और बांग्लादेश को भी यूनाइट करा। जैसे वेस्ट पाकिस्तान था वो पहले, ईस्ट पाकिस्तान था, उसे अब बांग्लादेश बना। बहुत इंडिया का बहुत मेजर रोल रहा है हर फील्ड में, और जैसे फाइट वगैरह भी होती है, वॉर्स वगैरह, उसमें भी इंडिया बहुत अच्छे से फाइट बैक करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तमाम जो सेना के अधिकारी थे, क्या संदेश आप लोगों ने लिया और क्या दृढ़ निश्चय करके जा रहे हो, क्योंकि आप भी एक ड्रेस में हो, एक तरीके के आप फौजी हो? सर, दृढ़ निश्चय तो यही है कि हम देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, इंडिया को फील प्राउड फील करना है, क्योंकि हमारे जो पहले भी जो शहीद हुए हैं या अभी भी जो भी सर्विस कर रहे हैं वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग नॉट ओनली इंडिया, हम लोग सिटीजन के लिए भी इतना बहुत। आगे फौज में जाने का इरादा है? यस सर। किस तरीके की तैयारी है उसके लिए? सर, पहले तो हमने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है, तो उस बेस पे हम अपना बैच देंगे और उसके बाद हम सर्टिफिकेट जो मिलेगी हमें बी और सी सर्टिफिकेट्स, उसके बेस पे हम आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे और देश के लिए प्राउड महसूस कराना चाहेंगे कि हम भी एक फौज के लिए तैयार हैं और अपना भी हम। आप भी तैयार हैं फौज के लिए? जी सर। क्या युद्ध नीति की अगर बात करें, भारत लगातार दुश्मनों को धूल चटाते रहता है, आज राजनाथ सिंह भी यहाँ मौजूद थे, आप लोग सुने होंगे 1971 के युद्ध को किस तरीके से याद करते हैं, हमारी सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया? सर, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, उन्होंने जिस हिसाब से युद्ध लड़ा था 1971 में, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, और पुराने पाकिस्तान को एक नया देश उन्होंने बनाया, जबकि हमारे देश में बाकी जो देश हमला करते हैं वो ज़मीन हड़प लेते हैं, पर हमारे इंडिया का ये अच्छाई है हमारे इंडिया की, उन्होंने दूसरे देश को बनने में मदद की, उन्होंने किसी का हिस्सा हड़पा नहीं, उन्होंने एक नया देश बनाने में लोगों की मदद करी जो कि पहले से ही जुल्मों का शिकार हो रखे थे। हमारे देश की नारियां जो हैं शुरू से ही वीरांगना रही हैं, फौज में जाएं या फिर झांसी की रानी की बात करें तो तैयार हैं युद्ध फौज में जाने के लिए आप भी? यस सर, और 1971 की सर एक स्पेशलिटी ये है कि सर हमारे तीनों सेनाओं ने मिलके तब युद्ध लड़ा था। सर, अभी हमने अपने CDS को खोया है सर, वो काफ़ी दुखमय है, और सर जो एक मेजर स्टेप लिया गया है हमारी गवर्नमेंट की साइड से कि हम तीनों सेनाओं को मिलके कोई भी युद्ध हो आगे बढ़ेंगे, सो सर ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है हमारी कंट्री की साइड से और इसमें काफ़ी सक्सेस भी मिलेगा हमें। सर, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि सर यूनिटी, आज मैंने यूनिटी देखी, और पहले
मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम यूनिटी को ही देंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके किसी ना किसी युद्ध को ही जीत सकते हैं। और सर सबसे पहले हम इंसान हैं, फिर बाद में हम कैटेगरीज में डिवाइड हैं, लेकिन सर यूनिटी इज मस्ट। बिल्कुल यूनिटी इज मस्ट। एक बार जोरदार नारा भारत माता की जय। बिल्कुल, तो तमाम जो लोग हैं वो इंडिया गेट पे पहुंचे हैं, और इंडिया गेट की अगर बात करें तो सामने दूसरी तरफ जो लगातार जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, और 1971 के उस युद्ध में हमारी भारतीय सेना ने, हमारी तीनों सेनाओं ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया था उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस तरीके से हम तमाम अपनी चौकियों पर कब्जा किए थे, 13 दिन का वो दिन कोई नहीं भूल सकता है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर पहुंचे, तमाम सेना के अधिकारी यहां पर पहुंचे, और भारत जो है यही संदेश देना चाहता है कि जब जब भारत के ऊपर कोई आंख उठाएगा भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और आज 50 वर्ष पूरे होने पर भारत इसे विजय पर्व के रूप में मना रहा है।